राधे राधे साथियों, मैं मुकेश गुजर आज आपके वापस आपके सामने दोबारा जनजातियों का अगला पार्ट लेके आया हूँ। साथियों, आपने जो मैं पिछले क्लास में जो आपने अच्छा सहयोग दिया, आप जो लाइव आए, आपने कमेंट भी दिए, अच्छा लगा। आप इस प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो पढ़ाने का अच्छा मज़ा भी आएगा, और साथ ही हमारा पढ़ाना आपके लिए कहीं ना कहीं कभी न कभी सार्थक जरूर होगा। दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहें। आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसी के आगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं राधा रानी की आशीर्वाद से। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके में, राजस्थान की जनजातियां, उसमें आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बाद नाम है आपका भील जनजाति। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर करें, जल्दी से। मैं जो साथी, जो लोग विद्यार्थी अपने घर बैठे जिनको पता नहीं, उनको बताएं कि सर आज वापस एक बार ऑनलाइन आ चुके हैं, तो मेरे राडनो जल्दी से शेयर करो, लाइट हो, जल्दी से कमेंट करो। दोस्तों, मेरी नोट करें आप, भील जनजाति। दोस्तों, भील राजस्थान की ये जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर में रहती है। मेरे साथियों, ये भील जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में निवास करती है। इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्र में, यानी कि साथियों, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में आदि आदि जिलों में भी निवास करती है। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे साथियों, मेरे लाडलों, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो भील जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, बोलो, उदयपुर में रहती है। मेरे साथियों, आपने पढ़ा होगा कि एक शब्द है जिसका नाम है भोमट। साथियों, एक शब्द आपके सामने आया है भोमट। भोमट क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भोमट क्या है। मेरे साथियों, भोमट ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र जहां पर भीलों की संख्या का बहुमूल्य हो, यानी सीधे शब्दों में कहे तो घनी आबादी वाला भीलों का क्षेत्र, घनी आबादी वाला भीलों का क्षेत्र क्या कहलाता है साथियों, भूमट कहलाता है। और दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है कि भूमट क्या है, घनी आबादी वाला भीलों का क्षेत्र, यानी कि साथियों, ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा भील जनजाति के मानुष निवास करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, उस क्षेत्र को मेरे लाडलो उसको क्या कहते हैं रे, भोमट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, भोमट कहते हैं। दोस्तों, भोमट से याद आया कि एक आंदोलन हुआ था, भोमट आंदोलन, एक आंदोलन भी है, आपने पढ़ोगे आप इतिहास में, भोमट आंदोलन है। दोस्तों, भोमट आंदोलन यह कौन सा आपका, एक ही आंदोलन है। दोस्तों, एक ही आंदोलन कौन सा आपका, मात्र कुंडिया आंदोलन है। दोस्तों, एक ही आंदोलन को ही भोमट आंदोलन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बहुमूल्य किस जनजाति का था, भील जनजाति का था, इसीलिए इस आंदोलन को भी भोमट आंदोलन ने नाम दिया गया। दोस्तों, भीलों की हम बात करें, मैंने कहा जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं भील जनजाति, ये शब्द कहां से आया, कि साले भीलों को भील ही क्यों कहा, इनको कुछ और नाम भी दे सकते थे। लेकिन साथियों, इस भील जनजाति को भील जनजाति शब्द नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि दोस्तों, भील जो शब्द बना है वो एक भाषा है जिसका नाम है द्रविड़ भाषा, और द्रविड़ भाषा का एक शब्द जिसका नाम है बिल या बिड़ मिलता है किसी किताब में, बिल या बिड़, और बिल या बिड़ का अर्थ होता है तीर कमान, तीर कमान। यानी कि साथियों, भील बना है बिड़ से, और बिड़ का मतलब होता है तीर कमान, मतलब भीलों का अर्थ क्या हो गया रे, तीर कमान हो गया। अर्थात ऐसी जनजाति, राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति भील जनजाति, जिनके पास तीर कमान होते हैं, जिनके पास हथियार के रूप में ये लोग तीर कमान का उपयोग करते हैं, जब भी युद्ध में आते हैं इनके पास धनुष बाण होते हैं,
और दोस्तों किसी पाठ्य पुस्तक में यह भी मिलता है कि बिल शब्द बना है बिलू सबसे, पर बिलू शब्द का अर्थ होता है तीर चलाने वाला, तीर चलाने वाला, अर्थात बात वही हो गई, अर्थात ये जनजाति तीरंदाज में बहुत ही माहिर होती है। कौन सी जनजाति बोलो? अपनी भील जनजाति। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से पढ़े और इस लिंक को आगे से आगे शेयर करें ताकि हमारे भाई बहन विद्यार्थी सभी इस वीडियो को अच्छे से देख सके। अच्छा लगे दोस्तों लाइक करें शेयर करें जल्दी से। साथियों श्री राम परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। जल्दी से दोस्तों लॉकडाउन के इस पावन अवसर पे हम आपके सहयोग के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी पढ़ाई खराब नहीं हो इसके लिए हमने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस की भी नई भर्ती आ चुकी है, लगभग 8000 समथिंग आपने देखा होगा। तो एक बार दुगने जोश के साथ दुगनी तैयारी के साथ एक बार वापस मैदान में कूद जाओ। क्या रखा है साले, इतना सा राजस्थान जीके पढ़ना है, इतनी सी रीजनिंग पढ़नी, इतनी सी मैथ पढ़नी है और इतनी सी किताब को पढ़ने से आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। तो मेरे लाडलो मेरे साथियों आपको एक गोल्डन टाइम छोड़ना नहीं चाहिए। इतना सा पढ़ने से अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है तो मेरे साथियों आप पढ़े करें और अच्छे से पढ़े, दबा के पढ़े, समझ के पढ़े। और आपके सहयोग में हम अपने श्री राम परिवार साथ में खड़ा है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, कोशिश ना रहे, हिम्मत ना रहे। दोस्तों रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास कुआ भी चल कर आएगा। अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास कुआ भी चल कर आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, सलाम मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों जोरदार जोरदार से आप पढ़ाई करें। और दोस्तों हम बात करते हैं बिलों के बारे में। इसके अलावा हम बात करें बिलों की, तो दोस्तों इस जनजाति के जो लोग होते हैं ये लोग अपनी उत्पत्ति महादेव से मानते हैं, ये लोग अपनी उत्पत्ति महादेव से मानते हैं। मेरे साथियों ये लोग कहते हैं कि महादेव के वंशज है। मेरे लाडलों ये लोग कहते हैं हमारे पूर्वज महादेव है और हम उनके पुत्र हैं, हम उनके वंशज हैं। अर्थात इस जनजाति के लोग स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं, स्वयं को भगवान की संतान मानते हैं। और दोस्तों जो बिल जनजाति है ये जनजाति, इसको हमारे घोड़े वाले बाबा मेरे गुरु कर्नल जेम्स टोडे, कर्नल जेम्स टोडे राजस्थान के इतिहास के पितामह घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोडे ने इनको बिलों को एक नाम दिया था वन पुत्र, इनको वन पुत्र कहकर पुकारा था। और इतिहासकार एक हुआ था जिसका नाम था दोस्तों टोलमी, इतिहासकार टोलमी, इन्होंने बिलों को फिलाइट कहा था। क्या कहा था? फिलाइट कहा था, फिलाइट का अर्थ होता है तीरंदाज, फिलाइट कहा था। और दोस्तों महाभारत काल की हम बात करें तो महाभारत काल में बिलों को निषाद कहा गया है। क्या कहा गया है? निषाद कहा गया है। दोस्तों बिलों को ही वन पुत्र का एक कर्नल जेम्स टोड ने, इतिहासकार टोलमी ने बिलों को फिलाइट काए और महाभारत के अंदर दोस्तों बिलों को क्या नाम दिया गया? निषाद नाम दिया गया था। और दोस्तों जो बिल जनजाति है इसकी हम बात करें तो बिल जनजाति दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से इस जनजाति की हम बात करें तो ये जनजाति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होते कौन कौन से दोस्तों? एक होते हैं लंगोटिया भी, एक होते हैं चौकीदार भी। चौकीदार भी दोस्तों भील मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लंगोटिया भील, एक होते हैं चौकीदार भील। दोस्तों लंगोटिया भील आप शब्द को देखें, लंगोटिया भील शब्द देखें, लंगोट ऐसे भील जो अपनी धोती की, जो अपने धोती की लंगोट बांधते हैं। लंगोट यानी कि दोस्तों घुटनों के ऊपर तक
जो धोती पहनी जाती है, लंगोट बांधते हैं, हनुमान जी की त्रिबल बजरंग बली की जय, और सांवरिया सेठ की जय। मेरे लाडलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लेके सांवरिया सेठ की जय। दोस्तों तो लंगोट या बिल, ऐसे बिल जो अपनी धोती की लंगोट बांधते हैं उन्हें हम लंगोट या बिल कहें। और मैं साथियों, इनकी जो धोती होती है, इनकी धोती को कहते हैं खोइतू। बिलों की घुटनों तक जो धोती पहनी जाती है उस धोती को क्या कहते हैं, खोइतू कहा जाता है। और दोस्तों इनकी जो महिलाएं होती है, बिलों की जो महिलाएं होती है मेरे साथियों, वो जो घुटने तक घाघरा पहनती है, घुटने तक जो घाघरा पहनती है उस घाघरे को कहते हैं कच्छाबू। बिल महिलाओं की जो वस्त्र होते हैं कौन से बोलो, कच्छाबू। दोस्तों 2015 वन इसके अंदर ग्राम सेवक के अंदर प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही सिंपल प्रश्न था कि कच्छाबू का संबंध है। प्रश्न सीधा सा था कि कच्छाबू का संबंध है, और जैसे साथियों पता है आपको कि ऑप्शन थे चार, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन बी पुरुषों से, ऑप्शन बी ग्रासिया महिला से, ऑप्शन सी बील महिला से, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आया था कच्छाबू का संबंध है बील पुरुषों से, ग्रासिया महिला से, बील महिला से, इनमें से कोई नहीं। और मैं साथियों, ये प्रश्न जिसको नहीं आया वो आप जैसे विद्वान साथियों की तरह नहीं आता है तो बजरंग बली की जय, तुक्का लगाएंगे साथियों। तुक्का लगा के आए बील पुरुष लगा के आए और बोल रहे बजरंग बली मैं आपके पास कर देना, नोक लगा देना, मैं ये करूंगा वो करूंगा बोलमा करूंगा। बजरंग बली बोले कि बेटा तू कच्छा मतलब घाघरा तू पुरुषों को पहना रहा है और मुझे बोल रहा है कि नोक लगा दे, मैं कहां से लगाऊं, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। तो दोस्तों बजरंग बली की जे बोलने के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। दोस्तों बिल पुरुष नहीं पहनते घाघरा पहनती महिलाएं, और महिलाएं कौन सी, बिल महिलाएं। तो इसका उत्तर क्या होगा बोलो, सी उत्तर था, बिल महिला का संबंध था, क्योंकि बीलों की महिलाओं के द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला घाघरा क्या कहलाता है, कच्छाबू। और दूसरे होते हैं दोस्तों अपने चौकीदार नहीं, अपने पोतीदार बील। चौकीदार बील नहीं थे भाई, मिस्टेक हो गया मेरे से, पोतीदार बील। ऐसे बील जो दोस्तों लंबी धोती पहनते हैं, ऐसे बील जो लंबी धोती पहनते हैं, घुटनों से लंबी सिंपल सी सादी सी सोबर सी जो धोती पहनते हैं वो कौन से बिल होते हैं बोलो, पोतीदार बिल। और इनकी धोती को भी खोइतू कहते हैं, और इनकी महिलाएं भी साथियों कच्छाबू पहनती है। दोस्तों ये बिलों की बात हो रही थी, और हम बात करें तो ये बिल जनजाति, इनके उस जमाने में जो घर होते थे ऐसे दूर दूर जंगलों में हुआ करते थे, दूर दूर जंगलों में होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, एक घर ये हुआ, एक घर ये हुआ, एक घर ये हुआ, एक घर ये हुआ। अब उस जमाने में इनके पास फोन वगैरह थे नहीं, तो जब भी इनके जो वैसे इनके जो घर होते थे ऐसे दूर दूर जो घर होते थे, इन घरों को कहते हैं कु या फिर टापरा। विशेष ध्यान रखें, बिलों का जो घर एक घर है तो उसके घर को, बिलों के घर को कू या टापरा कहेंगे। अगर साथियों दो पांच घर हो गए, अगर ये दो पांच घर हो गए तो एक मोहल्ला बन जाता है, उनके मोहल्ले को मोहल्ला नहीं कहते हैं, इनके मोहल्ले को कहते हैं भला। क्या कहते हैं, भला। दोस्तों ये शब्दावली बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, और विशेष ध्यान दीजिएगा, आप चाहे वन रक्षक की तैयारी करें, चाहे राजस्थान पुलिस की
चाहे किसी भी एग्जाम की, उस एग्जाम के अंदर ऐसे शब्दावली से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और राधे रानी के आशीर्वाद से मेरे साथियों आप उसका उत्तर बिल्कुल सही दे के आओगे। दोस्तों बिलों के घर को कुया टापरा कहते हैं, बिलों के मोहल्ले को फला कहते हैं। अगर दो चार मोहल्ले हो जाए तो पूरा गांव बढ़ जाता है। और गांव को दोस्तों पालक कहते हैं। क्या कहते हैं? पालक कहते हैं। और गांव का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, मुखिया होता है, मुखिया को पाल से क्या बन जाएगा? पालवी। तो बिलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? बोलो पालवी। मेरे साथ दोहराते रहे, घर को क्या कहेंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। क्या कहेंगे? मोहल्ले को क्या कहेंगे? फला। गांव को क्या कहेंगे? पाल। और गांव के मुखिया को क्या कहेंगे? पालवी। और दोस्तों बहुत सारे गांवों का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं गमेती। तो बिलों के गांव के मुखिया को पालवी या गमेती भी कहा जाता है। दोस्तों अब ऐसे इनके जो घर होते थे दूर दूर होते थे तो ये क्या करते थे? इनके एक शब्द है, कोड वर्ड था फायरे फायरे फायरे। एक शब्द है फायरे फायरे फायरे। जब भी ये कोई संकट में होते थे ये ढोल बजाते थे और जोर जोर से अपने मुंह से चिल्लाते थे फायरे फायरे फायरे। अरे भैरे भैरे नहीं, फायरे फायरे फायरे। और जैसे ही इनके मोहल्ले में फायरे शब्द का उच्चारण होता ये लोग समझ जाते थे कि हमारे मोहल्ले में हमारी बस्ती में कहीं कोई संकट आया है, कोई समस्या आई है। तो ये लोग अपने तीर कमान को लेकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते थे। और दोस्तों ये लोग उस मुसीबत का मुकाबला करते थे। तो फायरे फायरे इनका रणघोष भी माना जाता है। ये भी 2013 राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष माना गया है? किसका? बोलो आपका भील जनजाति का। इसके अलावा मेरे साथियों जो भील जनजाति होती है इनका एक सिस्टम होता है, बता देता हूं। चलो इनका एक सिस्टम होता है, एक सच्चा भील, एक रियल भील जो होता है। इनके उदयपुर में एक मंदिर है केसरिया नाथ का, केसरिया जी का। दोस्तों केसरिया जी के मंदिर में भीलों के लोग सुनना, विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो केसरिया जी के मंदिर में जो इनके मंदिर में जो फूल चढ़ाए जाते हैं उस फूल को या उस फूल के पानी को, अरे मेरे लाडलो केसरिया जी के फूल को या उस फूल के पानी को ये भीलों के लोग अपने हाथ में लेकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अर्थात इनकी कभी झूठी कसम खाते हैं। दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा कि केसरिया जी के ऊपर चढ़ाए गए केसर के फूल के पानी को या फूल को अपने हाथ में लेकर कभी बिल जाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे लाडलो मेरे साथियों आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, क्योंकि मुझे आपके लाइक और शेयर की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर आप चाहें कि मैं अगली बार नई क्लास में वापस मौजूद हो तो आप पर निर्भर है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइव आएंगे, लाइक और शेयर करेंगे उतना ही जल्दी मेरे क्लास वापस है नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरी सहायता करें, मैं आपकी सहायता करता हूं, आप मेरी सहायता करें। दोस्तों ताली दोनों हाथ से बजाएं, आधा हाथ मेरा और आधा आपका। तो दोस्तों जोर से बोले एक बार बीच में राधे राधे। जहां भी बैठे हैं लॉकडाउन बैठे हैं मुंह पर मास्क लगा के फिर बोले, बोलो राधे राधे। बिल्कुल जल्दी से बोले राधे राधे। बिल्कुल साथियों और हम बात करते हैं इस भील जनजाति की। तो इस जनजाति के लोग बहुत सारे नृत्य भी करते हैं। दोस्तों हमने कल मीणा के बारे में पढ़ा था और आज भीलों के नृत्यों की हम बात करें। तो आते हैं भीलों के नृत्य पर। भीलों के नृत्य किस जनजाति के लोग कौन कौन से नृत्य करती है? दोस्तों करने में ये लोग गेर गौरी राई हाथमिना नेजा मेजा घुमरा रायन शिकार गोरी द्विचक्री युद्ध आदि बहुत सारे नृत्य करती है। लेकिन मेरे विद्वान साथियों आपको कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है। हमारे गांव में तो ऐसे होते हैं
जब कोई चीज कठिन हो उसको सरलता से जो बना दे उसको हमारे राजस्थान में हमारे चित्तौड़ में उसको जुगाड़ कहते हैं। तो दोस्तों आप कल्पना करें कि 8-10 बिल इकट्ठे हो गए हैं, कल्पना करें अपने दिमाग में पिक्चर बनाए राधे रानी के आशीर्वाद से कि 8-10 जने इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर अपनी गेंग बना ली। क्या बना ली बोलो? गेंग बना ली। और गेंग बनाकर सभी ने अपने हाथ में लाठियां ले ली और लाठी लेकर रास्ते में घूम रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आप, बिलों की गेंग राह में लाठी लेकर घूम रही है, लाठी लेकर घूम रही। दोस्तों बिलों की गेंग, एक गेंग है जो राह में, रास्ते में क्या लेकर घूम रही है बोलो? लाठी लेकर घूम रही है। तो बिलों से बन जाएगा बिलों की नत्ति। दोस्तों मेरे लाडलो, गैस से बन जाएगा आपको क्या? अरे गैर, गैस से बन जाएगा गौरी, राह से बन जाएगा राई। अरे हाँ मेरे लाडलो, गौरी और राई वैसे एक ही होता है, नाम देखें है से हाथी मन्ना, हाथी मन्ना में से नेजा बना दो आप, मेजा तो बांध हो जाएगा बिलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। और कोठारी नदी कौन सी? उसी कोठारी नदी के किनारे कुहाड़ा का युद्ध हुआ था। दोस्तों विशेष ध्यान देखें आप, तो हाथी मन्ना में से नेजा बना दो और लाठी से लाठी नति, घूम से घूमर नति। दोस्तों आदि ये घेर गौरी राई, हाथ में मिनेजा लाठी घूमर रायण शिकार द्विचक्री कूद द्विचक्री आदि। दोस्तों ये नृत्य कौन करते हैं बोलो? बिल जनजाति के लोग करते हैं। तो दोस्तों आप पढ़ते रहे इनको, रट्टा है, नहीं माने दोस्तों राजस्थान जीके इंडिया जीके, अगर आप चाहते हैं कि इनको याद करें तो पढ़ने के लिए बहुत बिंदास होके हैप्पी होकर अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस कर कर दोस्तों इनको पढ़ाई करें ताकि आप अच्छे से इनको पढ़ पाएं। तो ये हो जाएंगे साथियों क्या आपके बोलो? बिलों के नति। और हम बात करें दोस्तों बिलों के बारे में, तो दोस्तों ये जनजाति बहुत ही महान जनजाति है बिल। जैसा कि मैंने कल कहा कि बिल राजस्थान की ये दूसरी बड़ी जनजाति है। साथियों कल हमने पढ़ा था मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, और मीणा सॉरी बिल ये राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। कौन सी आपकी बोलो? बिल जनजाति। तो दोस्तों आप इसी तरह आगे से आगे पढ़ते रहें और दोस्तों अच्छी दवा की मेहनत करें।